भैया बनिहारा बांध एक चुगली माँ, आज तुम्हारा फिर से दिल से स्वागत है। तो भैया बनिहारा कहाँ कहाँ जाने कितनी बरी से बीत गए, पर तुम वो बात नहीं सुनते हो। कहा भला कि वीडियो का देखने से पहले लाइक वाली बटन दबा लियो करा, और चैनल का जो को सब्सक्राइब ना करे हो वे का सब्सक्राइब कर लिया करा। तो चला फिर आज का वीडियो देखना शुरू करी। कहे रे कलावती, ये भूरा कक्का के पुता हुआ है ना? हाँ लीलावती, वह इनके पुता हुआ है। अरे अभी सालों भर नहीं भी हैं शादी के, बहुत सी थी बेचारी। जाऊँ जाऊँ सासें नंदे करवाती हैं, वह बेचारी करा थी। बरगा जाए, चाट चाट तो चौंडा रहस नंदे बैठी हैं, पानी नहीं भर सकती हैं, बेचारी से भरवाती हैं। अरे अब ना कहो जीजी, राम देखे सुने आवत है कि मई के माँ बहुत बड़े घर की आए, काफी पढ़ी लिखी है, एक लोटिया पानी टस से मस्त नहीं करत रही, सात भाई की इकलौती बहनी आए, पर बिचारी का तो नसीब है फूटो रहा। हाँ ओरी कह रे बिटी, वो अब ससुराल में आया ही है, अगर ससुरे मना करी तो कहाँ करी, कहा बैठे पला ना झूली। ससुरा सासुर ससुरे में करे का परत है, मायके का राजधारा नहीं है कि मायके में जन तन रही है वहीं तन रही है। तो महू बड़ी वहा तुम्हें दूसरे का मैं बड़ा बताया आवत हवे, कहे पानी तो आ भरा थी, कोनो कोल्हू तो ना वहाँ प्यारा थी, सासुर यही तना का होत है। ऐसा करे काम धाम से फुर्सत हुई के हारे चाहिए जाए, दुई बोझ चारा लेता है भैंस का। ससुर जी मैं चारा लेने जाऊंगी। छेरिन जैसे कामे में आती है तना जई है, नहीं तो का तो मौसी यही है का चारा लावे। ससुर जी मुझसे चारा काटते नहीं बनता, मैंने अपने मायके में कभी नहीं काटा। देख बहुरिया सौ के सीधी बात, यह तो माई के नौ सासुर आए सासुर, अब कौ अपने महतारी के पेटे से तो सीख के आवत नहीं है, जाके काट और सीख। चुपा दुई बोझ लेके आए, आज तो इस सास की गांठी बहुत पिराती है, आज वह ना जा पाई। आई पड़ी मैं नहीं कर पाती हूँ, सासू राय करिए तो सब है, कौन कलेक्टर ही नहीं करे, कहा बैठ के घर में। भौजी ओ भौजी यहाँ आओ। हाँ हाँ दीदी आई, अभी आई। हाँ दीदी बुलाया आपने? जब आवाज देने हो तो बुलाए तो होबे करी हूँ। जी दीदी बताइए। वैसे तो मोर कोनो काम न हुआ है भौजी तो इसे, पर हाँ अम्मा कही गए है कि भैंस का घाट चुरा ले रहे। ठीक है दीदी, रख दूंगी कुकर में, दो सीटी लगा दूंगी, तुरंत हो जाएगा, तुरंत आइयो गई और यूँ घाट चुराई। ओए सीटी वाली, ये सीटी ना अपने मायके में बजाए या नहीं, खासा बटुआ माँ पोती लगाए के दुई बटुआ घाट चुराए, तय हुई चाटा भैंसी यहाँ है हमारे, आवा कछु समझ माँ पल्ले पड़ा क्या? दीदी घाट वो भी चूल्हे पे, मैंने तो कभी नहीं किया, मुझसे नहीं होगा ये। है नहीं होगा तो तुम यहाँ भैया नचरवाए आ जाए हैं, सासुर आए सासुर, कान खोल के सुन ले, करेंख है तो करेंख है, और नहीं तो मैं अम्मा का फोन लगा के कह दे तू कितने काम का मना करती है। नहीं नहीं दीदी ठीक है कोशिश करती हूँ। यहाँ कोनो पहाड़ नुहा डर है भौजी कि कोशिश करती हूँ, कहो हाँ कर दे हूँ। ठीक है दीदी कर दूंगी। तो जा फिर, मोठाड़े ठाड़े सूरत का देखत है, लग जा काम पे, हजारन काम पड़े हैं। हाँ दीदी इतने सारे काम पड़े हैं, इसीलिए तो आपका मुँह ताक रही हूँ कि थोड़ी सी हेल्प आप भी कर देती। ओए हेल्प के नानी, देख मोर तो ये माई का है ठीक है, अधिकते नहीं आई, मो स्पेशल चैटिंग चला थी मोर फ्रेंड के साथ, बीच में डिस्टर्ब करे आ गई, तो सासुरत तय जाके कर। ओई बड़ी हेल्प कर दीजिए। अरे ओ बहुरिया कहाँ गोली है, तो आज पता नहीं लगता, यहाँ आ जल्दी से, कौन गुना घटती है। जी मम्मी जी आई। हाँ मम्मी बताइए। अरे देख तुही आज बता दियो, मोए मायके से मो भाई भौजाई आवत ही, तो उन्हें ना मूंग की रोटी बहुत ही पसंद है, तो आज बढ़िया चूल्हा में खरी खरी अपने हाथन से पोई के बनाए, अब बढ़िया भाटा की भरता। मम्मी जी मूंग की रोटी वो भी चूल्हे में, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती। अच्छा चालू हो गए तो बहाने बाजी। नहीं नहीं मम्मी जी मैं बहाना नहीं बना रही हूँ, अगर आप सिखा देंगी तो फिर मैं बना लूंगी। कहे मई का वामा महतारी कछु नहीं सिखाई सी आयका, ऐसी भेज दी सी, या मैं तुम्हें सिखाऊं, ये कोनो तो माई की ना हुआ कि मैं सिखाऊं, नहीं सिखाती हूँ, सासुर आए सासुर। वैसे तो यूट्यूब में फैशनेबल चीजें देखेगा, या तरह के कंघी वह तरह के कंघी, या तरह का साड़ी वह तरह का साड़ी, बड़ा नीक लागत है, बड़ा सीखे आवत है। अरे सीख लेने यूँ गुण सीख लेने। ठीक है मम्मी जी। काम के ना काज के दुश्मन ना नाच के,
कोनो गुनगुथाई नहीं सिखाई सिया महतारी लागत हमाई के मा। बहू हमारी घर की लक्ष्मी ये है बड़का धोखा, बहू का काम है चूल्हा चौका झाड़ू और पोछा। बहू हमारी घर की बेटी ये है बड़का धोखा, बहू से अच्छे और कोई नहीं होगी दासी। बहू हमारी घर की लक्ष्मी ये है बड़का धोखा, बहू का काम है चूल्हा चौका झाड़ू और पोछा। अरे का बात है बहुरिया, का बात है, अकेले अकेले गवाही हो रही है। अरे अरे तर्रा वाली चाची, आप आइए आइए बैठिए। अरे चाची, मैं गाना नहीं अपने हाल है गा रही हूँ। अच्छा का बात है, आज हमार बहुरिया बहुत दुखे दुखे बोल रही है। अरे चाची अब ना पूछिए, अगर मेरी सासू मम्मी आ गई, अगर सुन लेंगी कि मैं आपसे कह रही हूँ, तब तो मुझे गजब ढहा देंगी। अरे वैसे तो सास है कहाँ, अभी कहीं गई है किसी अपने मायके वालों के इंतजार में शॉपिंग करने। अच्छा अच्छा, आवे तो कह दिने, मुझसे पर साल 4 किलो घी ली रही सी, कहे 2 महीना में लौटा दे हूँ, अब अबे तक नहीं लौटाई सी है। अब इसे तो बताओ का कहे, अब कहाँ गावत रही है। अरे चाची अब ना पूछिए, ऐसे ऐसे अटपटे अटपटे मुझसे काम करवाती हैं, अगर मैं कहती हूँ मुझसे नहीं बनता सिखा दीजिए, तो सिखाने के नाम पे सुनाती हैं कि ये तुम्हारा ससुराल है मायका नहीं। अच्छा वो तो बड़ी गजब ढाय है, अरे ससुरार हो चाहे माइक, सीखे के कोनो उम्र हो थी। वही तो चाची जी, अब जब मैंने कोई काम वहाँ नहीं किया, मुझसे नहीं बनता है, मैं किसी से भी कहती हूँ तो मुझे कोई नहीं सिखाता, बस यही बोल देता है ये तुम्हारी ससुराल है। क्या ऐसी ही होती है ससुराल चाची जी। अरे चंडालय आऊँ चंडालय, जो कि ससुराल के नाम पे तुहका डरवा पाए हैं। मैं तो सही सही बतावा करत हूँ फुर फुर के, मुँह का मिठवा नहीं निक लागतिया। हाँ तुर्रा वाली चाची क्या कहूँ, अब आप ही बताइए, जो बनता है कर देती हूँ, फिर भी हर काम में कोई ना कोई नुस्ख निकाल देती हैं, ये कह के कि तुम्हारा ससुराल है ढंग से काम नहीं करती। अगर यही ससुराल का डर हर लड़कियों में रहेगा, अगर ऐसी ही ससुराल मिलेगी सबको, तब तो इससे अच्छा है कि लड़कियाँ फांसी का फंदा डाल के जान दे दें शादी के पहले, कंवारी मर जाएं, पर ऐसी ससुराल किसी को न मिले। अरे मारे तो दुश्मन भाई कलिया का, इन तन के भूखे वाले भौंकते रहती हैं, जनते से हो करे तो करा कर, ना हो करे तो ब्याहन के जान देव कर, ठीक है। चाची जी अब सोच तो ऐसा ही रही हूँ, ऐसे ही करूँगी, नहीं तो मैं तो मर जाऊँगी इनके चक्कर में। हाँ सुनिए सबकी, करिए मन की, कह भैया बनिहरा सही कहो ना। अरे ससुराल आए तो का भा, ससुराल आए तो तुम दारेदार खाई है का, अब वही बिचारी का नमक रोटी खवाई है, दिखे ये वीडियो में ससुराल वाले के अत, तो अगर तुम हूँ पंचायतन करत हो तो कान खोल के सुन ले, बंद कर दे। वैसे तो 50% आजकल की ससुराल ऐसी नहीं होती है, पर 50% आजकल की सासे नंदे भारी होती है इन तन की, तो जौन जो को तुम करते हो तो आँखें निकवा कान खोल के सुन लो, ये गलत आए। अरे सबकी अगर बहू होती है तो उनकी बिटिया होती है, ये सोच के चलो, ठीक है भैया बहनिहारा। तुम्हें हमारा वीडियो कसत लग कमेंट में जरूर बतायो, मैं सही कहूँ या गलत, ये तो तुम्हें जरूर से जरूर बताओ के। चला फिर मिलवे अब अगले वीडियो में।